अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैं सवारी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था। मेरे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिवाय पलान की पिछली लकड़ी के कुछ ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माज बिन जबल। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और इसका रसूल खूब जानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बंदों पर ये हक है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि जब बंदे ये अहकाम बजा लाएं, यानी अल्लाह ताला की इबादत करें, किसी को इसके साथ शरीक ना ठहराएं, तो इनका अल्लाह पर क्या हक है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों का अल्लाह ताला पर हक ये है कि अल्लाह ताला इन्हें अजाब से महफूज रखे।